ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से ग्रामवासियों को 5 वर्षों में दिखाया कार्य का ठेंगा। संवाददाता प्रीतम सिंह, यूपी, बहराइच की रिपोर्ट। मामला है जनपद बहराइच के महासी विकास खंड अंतर्गत मंगलपुरवा में ग्राम प्रधान की 5 वर्षों की ग्रामीणों द्वारा कामकाज की पोल खुली हुई है। आपको बताते चलें कि महासी विकास खंड अंतर्गत मंगलपुरवा में ग्राम प्रधान द्वारा 5 वर्षों में वादे दिए गए और पूरे नहीं हुए। ग्रामीणों ने बताया कि आवास और शौचालय के नाम पर लाखों रुपए गांव वालों से ग्राम प्रधान ने लूटे हैं। हमारे गांव में पिछले 5 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ। जब यूएफटी न्यूज 24 टीम के पत्रकार प्रीतम सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ग्रामीणों द्वारा सच सामने आया और ग्राम प्रधान की काली करतूत सामने आई। आखिर ग्राम प्रधान ने विकास के नाम पर ठेंगा ग्रामीणों को क्यों दिखाया? अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है, या फिर ऐसे ही ग्राम प्रधान की मनमानी चलती रहेगी और आम जनता को लूटती रहेगी। ग्राम प्रधान कहाँ के रहने वाली है आप? गांव का क्या नाम है आपका? मंगलपुरा। मंगलपुरा। मौजा? मौजा पद्दौरी। पद्दौरी। क्या समस्या है इस गाँव में? इस गांव में बहुत बाढ़ भी आ जाती है जी। शौचालय, आवास कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ग्राम प्रधान को आपने बताया? सबसे कहा गा, कोई ना दिया। अच्छा, नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से कभी शिकायत कि हम इस घर में इतने टूटे फूटे घर में रहते हैं और बरसात में घर में टिहने से ऊपर भी पानी भर जाता है, रहन बसेरा आपका सही तरीके से गुजरता नहीं, तो इस संबंध में आपने उच्च अधिकारी तो कभी कुछ नहीं कहा? आप लोगों की गुजारना है, अधिकारी के तो गुजारना नहीं है जी। कभी कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया? कोई जांच नहीं कर। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? क्या ग्राम प्रधान आवास शौचालय पर पैसा वैसा मांगते हैं? पैसा वैसा तो कोई ना मांगे ना। अच्छा, इसके मतलब आने पर पैसा भी मांगा जाता है? ये ग्राम प्रधान का नाम क्या है? ये आपका तहसील कहाँ लगता है और विकास खंड कहाँ लगता है? तहसील लागत है महेशपुरवा और विकास खंड महासी। गांव का क्या नाम है? मंगलपुरवा। ये कितने साल जो प्रधान ने वादे किए थे वो कोई वादा पूरा हुआ था प्रधान का? कुछ नहीं वादा पूरा हुआ। कोई वादा भी नहीं पूरा हुआ अभी तक? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। क्या क्या वादाएं किए थे दादी, ये बता? आते हैं तो बता देते हैं कि हम सब कुछ देंगे, जो नल नल का द्वारे सुरुजा लगवा जब जी और सब बताओ थे तो क्या देख? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रधान नहीं दिए किसी एक नल तक हमको सबको। कितने वर्षों से दादी आप यहाँ रहती होंगी? हम कम से कम 25 साल 30 साल तो शादी के हो गई हैं। तब से कोई मिला आपको? तब से आपको कोई भी विकास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आपके लिए? कुछ नहीं मिला। धन्यवाद दादी आपको हमारे हमसे बात करने। महासी विकास खंड अंतर्गत मंगलपुरवा के गांव में मौजूद है, जहां पर कुछ जनता ने, जो यहां ग्रामीण के जनता ने यह कंप्लेंट दर्ज की, सरकार से यह न्याय की गुहार लगाई कि ना ही शौचालय मिला ना ही कोई आवास। अब मैं जनता के बीचों बीच में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं जनता से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या ग्राम प्रधान ने जो वादाएं किए थे क्या इन 5 सालों में पूरे हुए हैं या अभी तक वैसे खाली पड़े हुए हैं? लगभग केवल 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है प्रधानी का इलेक्शन फिर से आने, तो क्या जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मंगलपुरवा की मौजूद मंगलपुरवा गांव में इस वक्त हमारी पूरी टीम लगातार सभी गांव में, यहां पर सभी ग्रामवासियों में सीधा कवरेज कर रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग से। तो आइए मैं सीधा जनता से पूछता हूँ कि क्या है उनकी समस्याएं, किस तरीके से समस्या है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। दादी आपका नाम क्या है? माधव नाम, बताओ। आपको शौचालय आवास कुछ मिला? शौचालय आवास कुछ मिला? हाँ मिला है, कुछ ना मिला है, देख क्या है। बोलो आप, आपकी क्या समस्या है? आपको शौचालय आवास कुछ 5 सालों में मिला है नहीं मिला? भैया कौन लुकवाए हो तो वो तो सामने जी। आपको मिला या नहीं मिला? हमका मिला हूँ, मंगलपुरवा में रहते जाएंगे जी जी। तो ये बताइए कि आपने जो यहाँ के ग्राम प्रधान ने जो वादा किए, जो वादा किए थे कि मैं इस ग्राम सभा में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या ग्राम प्रधान ने जो वादे किए थे कि ये पूरा करेंगे वो क्या हुआ? तो वो कहता सरकारी काम है, जब भाई हमारे हाथ में लिया दे दी। अच्छा, ऐसा कहते हैं जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए? भैया जनता क्या कह रही है यहाँ की? नहीं पूरे हुए। जनता क्या कह रही है? नहीं पूरे हुए।
यहाँ की जनता क्या कह रही है? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। कितने वादे किए थे? अरे बहुत वादे हैं। कितने साल पहले वादे किए थे जो पाँच सालों में वादा पूरा नहीं हुआ? प्रधान नहीं होता तब वादा करते थे। क्या 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 बनवाने के लिए वादे करते थे? लाइटें लगवाएंगे, देंगे, आवाज देंगे, आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे हम लोगों की लाइटें नहीं आई रहा, तुमने तो प्रधान खाएगी जी, प्रधान को खाए गए जी, पैसा निकाल लेंगे। ये कितने आवास में और शौचालय में कितना कितना पैसा जनता का खाया गया? जनता क्या अब क्या कहना चाहती है? आप देख सकते हैं कि ये जो जनता है हमारे पीछे खड़ी है इस गांव की, ये चीजें यही जानती है कि आखिर ये प्रधान ने सकुशल लोगों को कोई भी तरीके से विकास नहीं किया है। और यहाँ की माता जी कुछ कहना चाहती है, ये माता जी से भी बातचीत करते हैं। माता जी क्या आप लोग की इस बार सरकार से क्या मांग है इस ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर? भैया आवास मिले हो जी आप लोग को? नहीं प्राप्त है, मैंने बताया तो कि प्रधान को लिखाइए जी। ये लगभग आपके आपके अनुमान से कितना पैसा ग्राम प्रधान ने सभी शौचालय व आवास के नाम पर खाया होगा? 28 लाख रुपए लैट्रीन वाला खाई ली जी। वही सबके रहा है। ये कब आप लोगों को प्राप्त हुआ ये कि जानकारी मिली कि ये पैसे खाए गए? यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या नाम है और किस तरीके से इसकी अदलीबाजी जो है ये कितने सालों से चलती आ रही है? 5 साल से। ये 5 साल से किस तरीके से काम करना चला? कहीं रोड या नाली या कोई खड़ंजा बनाया गया इस गाँव में? तो नाली खड़ंजा इस गाँव में बनाया गया? नहीं बनाया गया। तो ये है सोकतले ग्राम प्रधान जी काली कारतूस, जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप रिपोर्ट देख रहे हैं हमारी, जो हमारी सभी जनता इस तरफ आप देख सकते हैं, ये इतनी जनता ये सामने खड़ी हुई है, ये सीधा बयान कर रही है कि जो भी आवास का शौचालय का पैसा आया उसमें से आधे से ज्यादा ग्राम प्रधान ने खाया। तो आखिर क्या इसी तरीके से ग्राम प्रधान की मनमानी चलती रहेगी? क्या यहाँ के ग्रामीणों को इसी तरीके से, ये आप देख सकते हैं जो झोपड़ी बनी हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी पूरी टीम लगातार इस महा कवरेज पर तैयार है। ये है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस गाँव की जितने भी बनाया गया है ये गाँव है, इस तरीके से गाँव की ये आप देख सकते हैं कच्चा मकान, ये काफी 5 वर्षों से नहीं लगभग 90 वर्षों से इसी तरीके से यहाँ के ग्रामीण रहते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? नाम क्या है माता जी आपका? नाम क्या है? शौचालय वौचालय मिला, घर वर बना, प्रधान ने बनवाया? नहीं बनवाए। तो ये है ये यहाँ के ग्रामीण है जो सूझबूझ के ग्रामीणों को प्रधान यहाँ के केवल भड़का रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपको शौचालय आवास कुछ ग्राम प्रधान ने दिया इस 5 वर्षों में? कुछ नहीं मिला। आपने अभी कोई उच्च अधिकारी कोई जांच वाच करने के लिए आता था या नहीं आता था? कोई नहीं आता। आपका नाम? तो ये है ग्राम सभा, मैं इस वक्त सीधा मौजूद हूँ ग्राम सभा के बीचों बीच गांव में, जो ग्राम सभा की आप बीचों बीच गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से झोपड़ी केवल बनी हुई है। जो ग्राम प्रधान ने वादे दिए थे 5 साल पहले वो कोई विकास कार्य इस गांव में नहीं हुआ। मैं आपको घर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये घर है। ये घर आप देख सकते हैं कि ये कच्चा मकान है, मैं कच्चे मकान की तरीके से आप लेकर जा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये इनका मकान है, इसमें ये रहन बसेरा करते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए आप, इसमें रहन बसेरा करते ही है। और मैं आपको एक ही तरफ नहीं, मैं इस ग्राम सभा में सब तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ। आप देखें इस तरफ भी लोग किस तरीके से रहते हैं, चूल्हे चौकी आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये कमरे आप देख सकते हैं किस तरीके से। क्या ग्राम प्रधान की ये काली कारतूस आप सामने देखे कि किस तरीके से? मैं आपको इस तरफ भी दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इस तरफ भी दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ग्राम प्रधान की ये काली कारतूस सामने आई, ये काली चिट्ठी ग्राम प्रधान की सामने आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है ये जो महिला औरत है काफी तबीयत भी खराब है, इसके रहन बसेरे का कोई ऐसा काम नहीं है, ये लोग इसी घर में इसी तरीके से रहते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको दूसरी तरीके से दादी जी आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? जैसे सुनिया लागी है और बच्चन ले है,
ये जो गिर गए तो लड़का बच्चा मर गया कि नहीं मर गया? आपने ग्राम प्रधान से शौचालय आवास के बारे में नहीं कहा कि मैं इस तरीके से यहाँ रहती हूँ और बरसात में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है इस बरसात के मौसम में यहाँ पर काफी तो आप देख सकते हैं कि ये जब बरसात का टाइम आता है, अगर कोई बरखे का टाइम होता है तो यहाँ पर इतना पानी भी भरा रहता है। आखिर ग्राम प्रधान इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं सीधा पूछना चाहता हूँ। तो ये देखिए दादी जी का क्या कहना है, ये साफ साफ आप बात देख सकते हैं कि आप दादी कितने सालों से रहती हैं यहाँ, कितने साल से शौचालय आवाज मिला किसी को? क्या नहीं मिला? तो देखिए ये है ग्राम प्रधान की एग्जिट पोल।